तर्दुरिता नि यद्भद्रम यद्रम तु व ओ शांति शांति शाम सभी श्रोताओं को सादर नमस्ते इस दिव्य जीवन में हमें अच्छे लोगों का सहकार्य सद्भाव मिलता रहे इससे अच्छी बात और क्या होगी कि हमसे अच्छे लोग मिलते रहें जिनका व्यवहार हमारे प्रति बहुत प्रिय हो अच्छा हो और ये हम सब चाहते हैं और ये केवल हम ही नहीं इस धरती का हरेक व्यक्ति यही चाहता है कि मुझसे सब अच्छा व्यवहार करें मेरे बारे में अच्छा सोचने वाले व्यक्ति मेरे बारे में अच्छा भाव रखने वाले व्यक्ति मेरे साथ रहें अच्छे संबंधी अच्छे मित्र अच्छे कलीग्स मेरे साथ रहें हम सबके बारे में यही सोचते हैं और सब हमारे बारे में भी यही सोचते हैं सबकी अपेक्षाएं वही हैं, सामान्य हैं, सबकी बराबर हैं हमें अपना हिस्सा निभाना होता है अपना भाग पूरा करना होता है कि हम दूसरों की अपेक्षाएं पूरी कर पा रहे हैं या हम उसमें कोई कंजूसी कर रहे हैं क्योंकि इसमें ही हमारा अधिकार है केवल अपने बारे में सोचने का देखने का करने का हमारा अपने ऊपर नियंत्रण है कहते हैं हमारा अपने ऊपर अधिकार है अधिकार की बहुत चर्चा की जाती है कि हमारे क्या अधिकार हैं हमारा अधिकार हमारे कर्मों पर है हमारी भावनाओं पर है किसी दूसरे के कर्मों पर किसी दूसरे के भावों पर हमारा कोई अधिकार कोई वश नहीं हो सकता कभी भी नहीं इसलिए अपने अधिकार की रक्षा करना और हमारा कर्तव्य जो हमें करना चाहिए उस पर ही हमारा अधिकार है दूसरे के कर्तव्यों पर हमारा कोई अधिकार नहीं कि दूसरा कोई करता है या नहीं करता है उसकी जिम्मेदारी कौन ले सकता है पत्नी अपने पति की जिम्मेदारी नहीं ले सकती माता पिता अपने बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते यहां तक कि गुरु अपने शिष्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हाथ से निकल जाती हैं कई बार बातें हाँ कुछ अच्छे व्यक्ति होते हैं जो नहीं डिगते अपने अनुशासन से अपने कर्तव्यों से वो अपना कर्तव्य निभाते हैं और दूसरों की हमसे जो अपेक्षाएं होती हैं एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो हमारा अधिकार है किसी की हमारे प्रति कोई अपेक्षा है सद अपेक्षा है जो होनी चाहिए वो अपेक्षा है तो उस पर खरा उतरना फिर उसके अधिकारों की रक्षा करना है और यदि कोई हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरता है हम किसी से कुछ अपेक्षा करते हैं और कोई उस अपेक्षा को पूरा करता है तो उस व्यक्ति ने हमारे अधिकार की रक्षा की और ये कोई लेन देन नहीं कि कोई हमारे अधिकार की रक्षा करेगा तो हम उसके अधिकार की रक्षा करेंगे कोई पहले हमारी अपेक्षाओं पे खरा उतरे तो हम उसकी अपेक्षाओं पे खरा उतरे कोई इसमें कंपटीशन नहीं कोई उसमें बिजनेस नहीं क्यों क्योंकि सब को अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता है सबको बंधन से मुक्त होना है अपनी आसक्तियों से सबको अपने चित्त में शांति प्रसन्नता दिव्यता चाहिए सभी को इसलिए हम कोई इसमें प्रतियोगिता नहीं कर सकते कि उसने मेरी अपेक्षाएं तोड़ी उसने मुझे धोखा दिया तो बस मैं भी अब बुरा आदमी बनूंगा मैं भी धोखा दूंगा हमारे धोखा देने से हम धोखेबाज बन जाते हैं किसी ने हमारी चोरी की तो मैं भी चोरी करूंगा तो हम चोर बन जाते हैं दूसरे के चोर बनने पर हम चोर बन जाते हैं दूसरा अपना कर्म बिगाड़ता है स्वभाव बिगाड़ता है तो हम अपना कर्म और अपना स्वभाव बिगाड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जैसे कि हमारा कर्म बदलने से उसको फल मिल जाएगा उसका जीवन नरक हो जाएगा इसकी चिंता व्यक्ति करने लगता है हम करने लगते हैं कि उसको दुख देना क्योंकि उसने दुख दिया कहते हैं टिट फॉर टैट कि उसने धोखा दिया उसने मेरी को अपमान किया तो मैं भी अब पीछे नहीं रहूंगा और मैं भी वही बनके के दिखाऊंगा जो उसने किया है इस बदले की भावना को रख करके हम शिकार हो जाते हैं बुराई का हम खुद फंस जाते हैं उस गड्ढे में जो हमने दूसरे के लिए खोदा था हम अपने ही प्लॉट में फंस जाते हैं और हम अपनी प्रसन्नता अपनी शांति अपने आनंद को दांव पर लगा देते हैं और उसे खो देते हैं केवल इसलिए कि दूसरों का व्यवहार बदला इतना हम निर्भर होते हैं दूसरों पर इतना हम दूसरों के ऊपर इतना रिलाई कर देते हैं कि हमारा जीवन स्वतंत्र कुछ नहीं दूसरों पर ही निर्भर हो जैसे कि दूसरे अच्छा करेंगे तो मैं भी अच्छा करूंगा दूसरे बुरा करेंगे तो मैं भी बुरा करूंगा कोई क्रोध करेगा तो मेरे अंदर से भी वही निकलेगा जो आ रहा है वही निकलेगा ऐसा व्यक्ति सामान्य रूप में करता है और फिर दुख को भोगता भी है और समझता है मेरे दुख का कारण दूसरे हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत की खत्म मैंने किया वो ना करते तो मेरे से यह होता ही नहीं परंतु क्या हमारा नियंत्रण है दूसरे के कर्तव्यों पर कर्मों पर भावों पर हमारा कर्तव्य हमारा नियंत्रण केवल एक व्यक्ति पर हो सकता है वो हम स्वयं हैं और यदि हमारा अपने पर ही कोई नियंत्रण नहीं रहा हम दूसरे के चंगुल में फंसते हैं हम दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं और दूसरे के व्यवहार के अनुसार हमारे व्यवहार भावनाएं अपने आप नियंत्रित परिवर्तित होने लगती हैं इसी को बंधन कहते हैं कि हम बंधे हैं अपने राग द्वेष से अपने कामनाओं से अपने लोभ से दूसरों से अपने शत्रु से भी बंधे हैं अपने मित्र से भी बंधे जब तक शत्रु शत्रु है शत्रुता है जब तक मित्र मित्र है मित्रता है मित्र शत्रु बना तो भी शत्रु बने आत्म संयम नाम की चीज नहीं आ पाती नियंत्रण नाम की चीज नहीं आ पाती क्योंकि हम आत्म चिंतन नहीं करते आत्म विश्लेषण नहीं करते इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ एनालिसिस अपने आप को कभी हम देखते नहीं और हम जिए जाते हैं एक रिबाउंड की तरह रिपकर्षण एक डैमेज होता रहता है हमारा उससे बचने के लिए ही हमको यह जानना चाहिए कि मेरा कर्तव्य ही मेरे लिए श्रेष्ठ है पूजा है कि मुझे किसके प्रति क्या करना है यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है और किसकी क्या सद अपेक्षाएं हैं जो मुझको पूरी करनी है वो उनका अधिकार है मेरे प्रति जैसे एक गुरु का अधिकार होता है शिष्य के प्रति और एक शिष्य का अधिकार होता है गुरु के प्रति शिष्य जानता है कि गुरु मुझसे कुछ अपेक्षा करता है पति जानता है कि पत्नी उससे कुछ अपेक्षा करती है और इसी तरह पत्नी जानती है कि पति उससे कुछ अपेक्षा करता है सदाचरण की अच्छे मीठे शब्दों की शांतिपूर्ण व्यवहार की और सहकार्य करने की मदद करने की हमसे अपेक्षा की जाती है और उस अपेक्षा को पूरा करना ही हमारा कर्तव्य है उस अपेक्षा उनकी अपेक्षा को पूरा करना ही यदि हमने किया तो हमने उनके अधिकारों की रक्षा की सबके अधिकारों की रक्षा व्यक्ति को करनी होती है किसी के अधिकार की हमने रक्षा नहीं की या अपने कर्तव्य का पालन हमने नहीं किया तो फिर उसका भुगतान व्यक्ति को दुख के रूप में पीड़ा के रूप में देना होता है ये बिल्कुल सही है आत्मग्लानी के रूप में देना पड़ता है और फिर पछतावा रहता है जब समय नहीं रहता इसलिए हमारा कोई काम करे या ना करे हमारा कर्तव्य इस पर निर्धारित निर्भर ना हो कर्म करने में व्यक्ति स्वतंत्र है सोचने में भी व्यक्ति स्वतंत्र है हम इतना सोच सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और निष्पक्ष होकर के सोच सकते हैं निष्काम होकर के सोच सकते हैं राग द्वेष से रहित होकर के सम होकर के सोच सकते हैं इसे को कहा योगस्थ होकर के अपने कर्मों को कर सकते हैं योगस्थ कुरु कर्माणी संगम त्यक्वा धनंजया सिद्ध असिध्यो भूतवा समत्वम योग उच्यते समता ही योग है कि हमारे मस्तिष्क में किसी के प्रति राग द्वेष ना हो किसी के प्रति मोह या घृणा ना हो किसी के प्रति कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार की दुर्भावना ना हो या अपने स्वार्थ सुख की कामना से रहित होकर के जो हम इच्छा करते हैं विचार करते हैं वही असली विचार है वही असली कामना है जिस कामना से हमें मुक्ति मिलती है दुख नहीं मिलता इसलिए कई बार संबंधों में खटास आने से व्यक्ति परेशान होता है और कुछ ऐसा कर्म करता है कि जिससे उसको भुगतान करना पड़े परंतु साधक सजग जागरूक होता है कि पूरी दुनिया मिलकर के भी यदि मेरी हानि करे तो भी मेरा कर्म ना बदले मेरा भाव ना बदले और मेरा भाव मेरा स्वभाव वही है जो सदा से था जो निर्मल है निष्पाप है निर्द्वंद्व है सम है पूर्ण पवित्र है वो मेरा स्वभाव है एक कहानी भी हमने कई बार सुनी होगी कि एक ऋषि यमुना नदी में स्नान करने गए और जब वो नहा रहे थे तो वो देख रहे थे कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है तो उन्होंने अपने हाथ से उस बिच्छू को उठाया लेकिन वो बिच्छू भय में था और उसने काट लिया और फिर जैसे ही काटा फिर वो हाथ से छूट गया साधु के और ऋषि ने उसे फिर उठाया उसने फिर काटा और फिर वो गिर गया और फिर जब देखने लगे कि ये तो फिर डूबने लगा फिर उठाया और जैसे ही वो उसको जमीन तक ले जाते फिर वो काट लेता ऐसा चार पांच बार हो गया उनका एक शिष्य देख रहा था कि गुरु जी आप ये क्या कर रहे हैं ये आपको बार बार काट रहा है आपको दुख पहुंचा रहा है और आप इसे छोड़ नहीं रहे आप इसकी मदद ही किए जा रहे हैं लेकिन ये तो दुष्ट स्वभाव का है बड़ा क्रोधी है उन्होंने कहा कि ये अपना स्वभाव क्रोध नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव परहित करना कैसे छोड़ दूं? तो ये हट तो होना चाहिए हमारा कि मैं अपने सिद्धांतों को अपने परहित के कार्यों को जो कि आदेश है ईश्वर का भी गुरु का भी ऋषियों का भी और यह हमारा स्वभाव है परहित करना परहित करके ही व्यक्ति निष्काम परहित करके ही व्यक्ति सुखी शांत और आनंदपूर्ण समृद्ध जीवन जी सकता है तो साधु ने इसका परिचय दिया अपने शिष्य को अपने आचरण से व्यवहार से यह ज्ञान दिया कि हमें अपना परहित कभी नहीं छोड़ना चाहिए भले ही इसमें हमारी जान भी क्यों ना चली जाए इसमें इस शरीर की मृत्यु भी क्यों ना हो जाए क्योंकि मृत्यु होना तय है बहुत बड़ा सत्य है और इस सत्य के लिए इस सत्य को टालने के लिए कि यह सत्य कभी हो ही ना ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि सत्य असत्य हो जाए और व्यक्ति अजर अमर हो जाए मृत्यु तो सत्य है जिसे कोई नहीं डाल सकता लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें मरना है यानी कि शरीर को मरना है और फिर हमें अपने कर्मों का भुगतान भी करना है कर्म फल व्यवस्था भी है पुनर्जन्म भी है लेकिन हम मानते हैं कि ये चलता रहेगा और हम अपनी दुर्भावना दुष्कर्म बुरी आदतें आलस्य प्रमाद को कंटिन्यू रखते हैं कंटिन्यू इसीलिए तो रखते हैं कि हमें पता है कि अभी मृत्यु नहीं होगी और हम अपने आप को अजर मानते हैं लेकिन जिसने माना और जैसा कि वेद ने आदेश भी किया कि कृतम स्मर अपनी मृत्यु को याद रखो तो तुमसे कोई गलत कर्म नहीं होगा कैसे होगा गलत कर्म जब तुम ये याद रखोगे कि दूसरा व्यक्ति भी कल देखे या ना देखे कोई भरोसा नहीं है कि जिस शक्ल को जिस चेहरे को मैं आज देख रहा हूं कल ये इसका मुरझाना तय है और ये कल कुछ दिन में मुझे नहीं दिखेगा तो क्या व्यक्ति उसके प्रति कुछ गलत कर सकता है उसको धोखा दे सकता है उसे गाली दे सकता है उसकी मदद करने से हाथ खींच सकता है अपनी हृदय को करुणित होने से दया आने से प्रेम से भरने से बचा सकता है नहीं बचा सकता और ये पूरी धरती के परमाणु ही बदलते हैं ये पत्ता जो हमें आज दिख रहा है ये कुछ ही घंटों बाद ऐसा नहीं रहेगा जैसे कि यह शुरू हो गया है यहां हम देखते हैं हरा है और यहां हम देखते हैं कि ये काला होना शुरू हो गया है इसकी मृत्यु होनी शुरू हो गई है और यह धीरे धीरे ये कालापन इस पूरे पत्ते में फैलेगा और जैसे कि हम इसके कई पत्तों में देख सकते हैं कि ये कालापन इसके पूरे पत्ते में फैलेगा और एक दिन पूरे पेड़ में फैलेगा जिस दिन से इसके बीज ने उगना शुरू किया उस दिन से मृत्यु ने भी अपनी उल्टी गिनती शुरू की और जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो कि साथ चलते हैं इसलिए खत्म होना तो व्यक्ति ने शुरू कर दिया है जन्म लेने से पहले ही हर एक साल के साथ हमारे जीवन का हर एक एक साल कम होता है इसलिए व्यक्ति यदि अपनी मृत्यु तत्व को याद रखे कि सबकी मृत्यु होनी है तो मैं इस व्यक्ति की मदद क्यों ना कर दूं जो आज मुझसे मदद की अपेक्षा कर रहा है मैं इस व्यक्ति से प्रेम भाव से क्यों ना बर्ताव करूं, क्योंकि ये मुझसे अच्छे बर्ताव की अपेक्षा करता है मैं इसकी मदद क्यों ना करूं क्योंकि ये मेरे से मदद की अपेक्षा करता है और मान लो ये कुछ गलत भी कर रहा है धोखा भी दे दिया या कुछ गलत भी बोल दिया तो बेचारा ये कल नहीं रहने वाला है मैं क्यों और इसके जले पर नमक छिड़क दूं क्यों करूं मैं और क्यों इसको दुख पहुंचा दूं? क्योंकि वो वैसे ही जल रहा है वैसे ही दुखी है दुखी व्यक्ति तो दुखी को दुख देता है क्रोधी व्यक्ति तो क्रोध करता है जिसके पास जो है, वो उसी में परेशान रहता है और फिर वही डिलीवर करता है तो दुखी व्यक्ति दुख ही दे सकता है लेकिन जो समझदार व्यक्ति है जो जानता है कि यह सब कोई कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं चलने वाला है हमारा संबंध कोई अनंत काल के लिए नहीं चलने वाला ये जीवन ये श्वासें ये अनंत काल तक चलने नहीं वाली हैं ये रुकेंगी और फिर से सब कुछ डिलीट किया जाएगा और जो हमने किया है उसको भोगना पड़ेगा और फिर से रील शुरू होगी तो क्यों ना मैं अच्छे कर्म कर दूं दूसरे की मदद कर दूं दूसरा का मार्गदर्शन करूं या कम से कम मार्गदर्शन ना कर पाऊं तो दूसरे के कुछ गलत तो ना करूं किसी का उत्साह बढ़ा सकूं किसी को ज्ञान बांट सकूं किसी को स्वस्थ कर सकूं किसी को प्रसन्न कर सकूं और सच मानिए यही भगवान की पूजा है क्योंकि कण कण में भगवान है व्यक्ति व्यक्ति में भगवान है कोई ये नहीं कि एक पत्थर ले आए कहीं से चिकना सा बस वही भगवान है बाकी सब भगवान से इतर चीजें बाकी जगह है ही नहीं और केवल उसी में अपनी श्रद्धा रखी जो पत्थर है या किसी व्यक्ति की बनाई मूर्ति है उसी के प्रति रोए उसी को खिलाया उसी को पहनाया और उसी को सजा करके अच्छे रूम पर रखा और जो भगवान की बनाई मूर्तियां हैं उसके लिए हम अलग नियम लागू करें कि जैसे को तैसा टेट फॉर टेट ये साधक के लिए नहीं है हाँ व्यवहार हमारा न्याय अनुसार होना चाहिए लेकिन प्रीतिपूर्वक भी प्रीतिपूर्वक न्यायपूर्वक हितकारी हमारा व्यवहार हो सबके लिए तो याद रखना कि ना ये तन शाश्वत है ना ये वाणी शाश्वत है ना ये बुद्धि शाश्वत है ना ये मन के विचार शाश्वत हैं शाश्वत अर्थात तो नित्य और जो अगला बोल रहा है वो भी नित्य नहीं तो मेरे से कुछ ऐसी चीज मेरे भीतर जन्म ना ले बाहर निकलने के लिए रिएक्शन करने के लिए रॉन्ग एक्शन करने के लिए जो प्रेरित करे मेरे को कोई ऐसी चीज यदि जन्म लेगी तो फिर वो मेरी पर्सनल एसेट बनेगी और फिर उसको मुझे ही लेकर के चलना है और फिर उसका भुगतान भी मुझे ही करना है इसलिए पूरी जागरूकता से हमको सोच समझ के ध्यान में रखते हुए जिसे मृत्यु कहते हैं जिसे मृत्यु का ही पर्यायवाची है अनित्य, अपने 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 तन की, अपने मन की, मन इस करंट के स्वभाव की, वर्तमान के स्वभाव की अनित्यता को जानते हुए अगले व्यक्ति इस दृश्य की भी अनित्यता को जानते हुए बस हमको केवल फोकस करना है कि इस जगत से संबंधों से संबंधों के द्वारा हमसे क्या अपेक्षाएं की जा रही हैं उन अपेक्षाओं में खरा उतरना ही उनके अधिकारों की रक्षा है मेरे क्या कर्तव्य हैं? अपने कर्तव्यों को करना पूरी प्रसन्नता से कुशलता से आनंद से ये भगवान इसे अपनी पूजा मानते हैं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विंदती मानवाह स्वे स्वे कर्म से मेरी पूजा करो ऐसे कर्म बंधन नहीं है ऐसे कर्तव्य बंधन नहीं है बंधन वही है जो हमें कुपथ के प्रति प्रेरित करता है कुमार्ग के प्रति प्रेरित करता है कुकर्म के प्रति प्रेरित करता है उस बंधन को हमें तोड़ने के लिए हमें अपे अच्छे बंधनों का पालन तो करना होगा सभी को बहुत शुभकामनाएं आज के सत्र में इतना ही नमस्ते